एक गाईज हाउ आर यू सो बैक अगेन विद द टॉप फाइव करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ टुडे आज है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च होली बस आने ही वाली है सो द देर इज सो मच ऑफ बाज इन दर फेस्टिव दोबारा से वो फेस्टिव फील फीलिंग वापस आ गई इस साल की बस चालू हो गए अब से अब फेस्टिवल्स एक के बाद एक आते रहेंगे होली इज़ प्राइमरली द फर्स्ट वन इन द ईयर जिसको हम बहुत यू नो वी ईगरली लुक फॉरवर्ड टू इट वेट करते हैं इसकी तो चलिए लेट्स क्विकली बिगिन विद द करंट अफेयर्स टॉपिक्स आई नो आपके पास बहुत सारा काम है सो आई विल एब्सोल्युटली कीप इट शॉर्ट कुल पहला सो आई एम श्योर यू गाइज फॉलोड इट काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था कुछ दिनों से मैंने अपने पुराने टॉपिक्स में भी बोला था अबाउट इलॉन मस्क अबाउट टेस्ला इन फैक्ट चेंजिंग द डेजिग्नेशन ऑफ इलॉन मस्क तो एक uh, मेरे टॉप फाइव करंट अफेयर्स कुछ दिन पहले के उसमें था कि कैसे uh, टेस्ला ने दो डेजिग्नेशंस uh, अपने नोटिफिकेशन में अपने सबमिशन में दी थी वन वॉज़ इलॉन मस्क की डेजिग्नेशन कर दी थी टेक्नो किंग और जो उनके फाइनेंस हेड है उनकी डेजिग्नेशन कर दी थी मास्टर ऑफ कॉइन राइट और ये उसी का नतीजा है थोड़े दिन आगे चल के यू नो फ्यू डेज हैंस कि अब टेस्ला ने अनाउंस कर दिया द आईव पुट द पिक्चर ऑल्सो नीचे डाउन हेयर वेयर इलॉन मस्क हैज ट्वीटेड कि अब से टेस्ला बिटकॉइन में भी पेमेंट लेगा इंडिया में तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कार की पेमेंट नहीं कर सकते अभी तक क्रेडिट कार्ड से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते इंडिया में बट येस लॉट ऑफ थिंग्स हैपन आउट देयर इन द वर्ल्ड दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है दुनिया काफ़ी आगे है बहुत चीज़ों में और एक वो है uh, कि अब बिटकॉइन से भी आप गाड़ी खरीद सकते हो साथ में टेस्ला ने ये भी बोला है कि वो बिटकॉइंस को बिटकॉइन ही रखेगा वो आगे जाके बिटकॉइन बेच के उसका कैश नहीं कर लेगा देखना है आगे कि हाउ डज़ इट पैन आउट बट फॉर नाउ इट इज़ लाइक कि येस वन मोर वे टू बाई कार्स इन दिस वर्ल्ड एंड इट डज़ एग्जिस्ट सो मे बी इंडिया में भी कोई दिन ऐसा आएगा एक टाइम आता था ना जब लोग शेल्स शेल्स यूज टू बी करेंसी और कुछ और बाटर सिस्टम अब शायद बाटर तो अभी भी हम करते हैं पुरानी गाड़ी ले जाते हैं नई गाड़ी ले आते हैं बाटर में बट लेट्स सी देखते हैं धीरे धीरे और क्या क्या चीज़ें इवॉल्व है, होती हैं मे भी एक दिन आएगा कि हम हम भी पेटीएम स्कैन कर रहे होंगे और पेटीएम से गाड़ी खरीद के ला रहे होंगे

सी जे आई एस ए बोबडे वो रिटायर होने वाले हैं ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल अगले महीने एक महीने से भी कम टाइम में और uh, उनसे गवर्नमेंट ने पूछा कि वाई डोंट यू रिकमेंड कि हु शुड बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ही इनवेरिएबली विदाउट एनी डाउट और कन्फ्यूजन जो सबसे सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं इंडिया के राइट आफ्टर हिम एन वी रामन्ना ही रिकमेंडेड हिज नेम सो गाइज आई वांट यू टू रिमेंबर दीज टू नेम्स दैट आर करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑनरेबल सी जे एस ए बोबडे और जो नाम रेकमेंड किया गया है फॉर द नेक्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज श्री एनवी रामन्ना अब uh, ये नहीं पता कि एंट्रेंस का डेट कब आएगा किस एंट्रेंस में uh, अगर आज अगर कल आपका कोई एंट्रेंस है तो ऑबियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज श्री एस बोबडे बट अगर तेईस uh, अप्रैल के बाद आपका एंट्रेंस है और उसमें ये क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू बी अवेयर राइट कि उस टाइम कौन है तो क्योंकि एक डेट की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है उससे पहले क्या था उसके बाद क्या था करंट अफेयर्स में सो गाइज आई वॉन्ट यू टू मेक नोट ऑफ दीज टू नेम्स और uh, उसके साथ डेट भी कि कब हमारे सी uh, रिटायर हो रहे हैं अभी कुल cool, चले तीसरे पे चलते हैं द थर्ड वन इज़ अबाउट स्पेस और स्पेस से पहले ना ज़रा धरती पे वापस आ जाते हैं और रियलिटी पे आते हैं कि हमने कैसे गंद मचा रखा है अपने आसपास प्लानट पे हमने हर तरफ गंद मचा रखा है इट्स गार्बेज 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 एवरीवेयर हम हर जगह गंद फेंकते रहते हैं समुद्रों को हमने गंदा कर रखा है सो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट कि आप चाहते क्या हो एंड द माइंड सेट चैरिटी बिगे एट होम ये तो कहावत सुनी होगी ना कि uh, अच्छा काम घर से चालू करो अपने आप बाहर चला जाएगा और वही है द क्लीनेस्ट कंट्री ऑन द प्लानट जहाँ पे बचपन से स्कूल से साफ़ रहना सिखाया जाता है जापान दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू स्पेस आल्सो कि धरती साफ करो हमने अपना देश पूरा साफ कर लिया हम दूसरे देशों को भी साफ रहना सिखाते हैं अब स्पेस को भी साफ करते हैं स्पेस में देर इज़ ट्रैश इन स्पेस आल्सो हमने इंसान ने स्पेस को भी साफ़ साफ नहीं छोड़ा एक तो हम स्पेस में आर स्पेस मिशन हम स्पेस में बहुत सारा जंक लेके जाते हैं कूड़ा लेके जाते हैं देन सैटेलाइट्स सदियों से मोर देन हाफ अ डेकेड हाफ अ सेंचुरी हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं एंड uh, क्या होता है जब एक सैटेलाइट वन सैटेलाइट गोज डेड डिफंक्ट वो स्पेस में ही घूमता रहता है जब तक कि अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच ना ले या तो अर्थ की ग्रेविटी छोड़ के बाहर निकल जाए दूर निकल जाए या अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच ना ले एंड इट बर्न्स ऑन री एंट्री उसके अलावा वो अर्थ के चक्कर मारता रहता है और इसमें इट कॉज़ अ लॉट ऑफ केयस एंड लॉट ऑफ रिस्क कि कोई और किसी और सैटेलाइट को हिट ना कर दे वो डेड सैटेलाइट या फिर किसी स्पेस मिशन को मैंड स्पेस मिशन को हिट ना कर दे जिससे इट विल पुट द लाइफ्स ऑफ आर एस्ट्रोनॉट्स रिस्क और ऐसा हो चुका है इंडियन सैटेलाइट्स आल्सो इन द पास्ट हिट बाय स्पेस डेब्रीज़ सो टू हैंडल दिस देर इज अ जैपनीज कंपनी कॉल्ड एस्ट्रोस्केल और उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है काफ़ी दिनों से मैं इसको बचपन से माई चाइल्ड हुड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस कंपनी दे हैड लॉर्ड ऑफ फनी आइडियाज़ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ कि हम नेट फेंकेंगे उससे पकड़ लेंगे और विल डू इट विल बी अ बॉक्स जो जाके ऐसे ग्रैब कर लेगा और पकड़ uh, उसके अंदर भरता रहेगा एवेंचुअली वन दैट हैज़ फाइनली बीन लॉन्च इज कि इट विल बी अ स्मॉल सैटेलाइट इक्विप्ड विद मैग्नेट्स वो स्पेस में जाएगा और दूसरे सैटेलाइट को अपने मैग्नेट के थ्रू इट विल ट्राई एंड अटैच द अदर डेड सैटेलाइट विद विदाउट मैग्नेट प्रोवाइडेड कि उस डेड सैटेलाइट में मैगनेटि मैग्नेटिज्म बची है एंड देन उसको अटैच करने के बाद इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग इनटू अर्थ तो खुद भी बर्न आउट हो जाएगा एस्ट्रोस्केल प्लस उसके साथ जो डेड सैटेलाइट है दैट विल ऑल्सो बर्न ऑन री एंट्री सो एट लीस्ट इट विल बर्न हो जाएगा इट विल बिकम टर्न इन टू एशन एयर वाइल एंटरिंग द एटमोस्फेयर एंड इट विल वैनिश राइट बट इट इटिल क्लीन अप स्पेस और इट इज एन अटेम्प्ट स्टार्ट क्लीनिंग अप स्पेस और बहुत जरूरी है हम पृथ्वी से बाहर जाने की तो सोच रहे हैं बट वहाँ पर कूड़ा अभी से ना मचाए और साफ रखे तो ज्यादा बेटर है न सो दिस इज द थर्ड वन फोर्थ वन एंड दिस इज समर अवेयर ऑफ राइट आज का मेजर न्यूज आर्टिकल मैंने देखा दैट टूडे इट्स बीन वन ऑफ द हाइएस्ट काउंट ऑफ कोविड केसेज दैट है एंड एज ए रिजल्ट ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इंडिया के कोर्ट ने पूछा था कि हम बाहर तो भेजे जा रहे हैं वैक्सीन हम इंडिया में क्यों नहीं लोगों को वैक्सीनेट करें और उसके अगेंस्ट आपने देखी लिया गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई है कि फर्स्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स पी एनी बडी अब फोर्टी फाइव ऑफ एज इन इंडिया वुड बी वैक्सीनेटेड नो एक्सेप्शन और उसके साथ इंडिया uh, गवर्नमेंट ने भी बोला है यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है और भी कंट्रीज जहाँ पे वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर हो रही है ऑल दीज कंट्रीज़ हैव कम बैक टू यूनिसेफ डब्ल्यू एच ऑन सेड कि यार पहले हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लें क्योंकि जो वैक्सीन बना रहे हैं वही ना बचे तो फिर बाकियों के लिए वैक्सीन कौन बनाएगा तो लेटेस्ट वैक्सीनेट आर पीपल एट होम फर्स्ट इन जगह को प्रोटेक्ट करते हैं फिर हम बाकियों को भी वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो सप्लाईज हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएंगी बट नाउ डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगी वैक्सीन की और बहुत सारा इंडिया में कंज्यूम होने लगेगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं अनाउंस किया कि हम वैक्सीन एक्सपोर्ट एकदम बंद कर देंगे यूरोपियन यूनियन में भी यही चल रहा है अगर आप हेस टैक न्यूज़ खोल के देखोगे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हेजटैक न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कर लो उसमें छोटे छोटे स्निप्स आते हैं और काफ़ी अच्छे एक एक मिनट के अंदर आप पूरी वर्ल्ड न्यूज़ देख सकते हो हर न्यूज़ हार्डली एक दो मिनट की होती है सो दिस इज़ द फोर्थ वन एंड एज अ रिजल्ट इंडिया जो कि कोवैक्स का बहुत मेजर मेम्बर है और इंडिया अभी कोविड वैक्सीन का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में जब इंडिया कट डाउन करेगा अपना एक्सपोर्ट तो देर वुड बी अ मैसिव इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड राइट सो हेंस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल चलिए द नेक्स्ट वन इज अबाउट अगेन इट्स अबाउट इंटेंशन राइट तो एक तो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट ये आई है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में मिलिट्री ज्वाइन करते थे हाँ, इंडिया के आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करते थे उन्हें परमिशन नहीं होती थी अपने मिलिट्री रैंक्स को मेंटेन करने की लाइक लेफ्टिनेट्स कर्नल्स मेजर जाते थे वो आर्मी में एयरफोर्स में नेवी में बट जब उन्हें रिटायर करना होता था तो वो जो रैंक उनकी होती थी वो यूज़ नहीं कर पाते थे विच वॉज सो नाइस राइट वो कंट्री के लिए अपनी जान तक दे रहे हैं बट वो जो एक टाइटल है वो नहीं रख सकते और ये केस चल रहा था 1983 से तीस साल से ऊपर हो गए पैंतीस साल से ऊपर हो गए अब फाइनली जाके इसकी जजमेंट आई है डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर होंगे दे वुड बी अलाउड टू मेंटेन देयर रैंक्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एंड ऑसम न्यूज़ इट इज़ अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर आर एलीट सोल्जर्स जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था बट जब जागो तब सवेरा सो so, अच्छी बात है uh, हो गया एंड येस नाओ ऑनवर्ड्स

आप मैं पाँच दूंगा आप अपनी तरफ से पाँच लेके आओगे इससे ज़्यादा बेटर तैयारी हो ही नहीं सकती राइट यूर ऑल ऑफ यूर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन हु एवर इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेटिंग एंड वॉचिंग दीज वीडियोज़ और अगर पीछे का कोई मिस भी हो जाता है एक दो वीडियो तो प्लीज़ वापस जाके उन वीडियोज़ को देख लेना ऐसा नहीं है कि छोड़ देना बिकॉज जब तक एंट्रेंस आएगा और आप एक महीने के वीडियोज़ देख चुके हो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी राइट सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द वीडियोज़ गो बैक मिस हो गया पुराना तो कोई उसको देख लो एंड येस एज ऑलवेज प्लीज न्यूज़ देख लेना आज थोड़ा सा लंच करते हुए डिनर करते हुए पंद्रह मिनट के कार के न्यूज़ पेपर जरूर पढ़ लेना इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन दैट्स माई आस्क ऑलवेज एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आई सी यू गेस्ट टूमोर एंड देन बाय